नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? जी दादी, मुझे याद है, आज मेरा व्रत भी है। जी दादी, पिछले साल हम सबने एक साथ मनाई थी महाशिवरात्रि, कितना अच्छा लगा था ना? जी हाँ दादी, बस मैं पूजा की तैयारी करने लगी हूँ, मैं रखती हूँ, बाय। अब भाभी, भाभी, भाभी आइए ना। गौरी, क्या हुआ? अरे क्यों गला फाड़ रही है तू? भाभी, मैं आपसे ये कह रही थी कि आज मेरे लिए नाश्ता मत बनाइएगा, आज मेरा व्रत है। व्रत? अरे कौन सा व्रत है आज? भाभी आप भूल गई, शिव जी का व्रत। आज महाशिवरात्रि है ना, हर साल व्रत रखते थे हम। अरे बाप रे, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। झूठ कहे तो कहो, शिव जी ना हमसे नाराज हो जाएंगे। शिव जी हमें माफ कर देना। कोई मुझे भी बताएगा कि क्या हो रहा है? क्या हमारे शिव ने कोई बहुत बड़ा काम किया है? कलिका, शिव नहीं, शिव जी, मेरे भोलेनाथ। ओह, यू मीन टू से शिवलिंग वाले शिव जी? उनका क्या बर्थडे है आज? नहीं नहीं, आज महाशिवरात्रि है, जो हम भूल गए थे। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, आप जानती है ना, वो तो भोलेनाथ है, सब कुछ माफ कर देते हैं। अब भाभी चलिए, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। आइए आइए। गौरी तू ना एक काम करना, वैसे तो शिव जी ने तुझे बहुत कुछ दिया है, पर थोड़ा बहुत ना अपनी भाभी के लिए भी मांग लेना। और ज्यादा काम होंगे तो और ज्यादा पैसे आएंगे, और ज्यादा पैसे आएंगे तो तेरी भाभी की ना मन्नत पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक आधा दर्जन ना बनारसी साड़ी, एक लंबी सी गाड़ी और 3 BHK का ना छोटा सा घर। बस भाभी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसे एक बात कहें गौरी, असल में तो यह त्योहार ना हमारे मिर्जापुर में मनाया जाता है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, मंदिरों में शिवलिंग का स्नान, शंख और घंटियों की आवाजें, और हम सब का ना एक साथ व्रत रखना, कितना मजा आता था ना। मजा आता था, भूखे रहने में मजा आता था, लेकिन त्योहार में तो खुशियां मनानी चाहिए ना। अरे मेरी बच्ची तू ना समझ नहीं रही है, अरे भगवान को खुश रखने के लिए, अपनी मुराद पूरी करने के लिए ना ये व्रत रखा जाता है। हाँ, और ये भी देखा जाता है कि हमें हमारे शरीर पर कितना संयम है। संयम? मतलब? उसका मतलब कंट्रोल। ओके, तो इसका मतलब कि ये शिव जी को खुश रखने की बात है। अब समझी तू। गौरी हम भी ना फटाफट रसोई का काम खत्म करके ना पूजा के लिए आते हैं। हाँ शिव बोलो। ओए हेलो, इतना ज्यादा बिजी रहेगी ना तो कंपनी वाले तेरे को एम्बेसडर बना देंगे। अबे क्या हूँ कर रही है? अच्छा सुन, अब काम की बात सुन। वो कोरियोग्राफर का फोन आया था, उसने कहा था कि इवेंट नजदीक आ रहा है तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए ना तू 3-4 पराठे एक्स्ट्रा खा लेना, अच्छे से नाश्ता करना। हेलो 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 हेलो, सुन रही है? हाँ, अब एक्चुअली ना मेरे पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम एक सांस में बोले जो जा रहे हो। अच्छा मेरी माँ। एक्चुअली आज मेरा व्रत है। व्रत है? और वैसे कौन से भगवान का फास्ट है? कौन सा डे आज? कौन सा डे? कौन सा डे? शिव मैं कुछ बोल लूँ? आज महाशिवरात्रि है और मेरा शिव जी का व्रत है। शिव जी का? अब हम कुछ बोलेंगे तो आप क्रोधित हो जाएंगी। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा नाम भोलेनाथ जी के 1008 नामों में से एक से मैच करता है, और अगर इस पे तुमने कोई मजाक उड़ाया तो तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। वो तो रोज ही पड़ता है। ओए वैसे शिव जी तेरे पर्सनल भगवान नहीं है? हाँ मेरे भी है। वो जो भी हो, अब लेकिन भोलेनाथ जी पर नो जोक्स। अच्छा बाबा, नो जोक। अच्छा लेकिन तू व्रत का क्या करेगी यार, तू कल नहीं रख सकती, आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। सिर्फ इतने सालों से व्रत रखते आई हूँ, कभी नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ूंगी, प्रैक्टिस करनी है लेकिन व्रत के साथ। अच्छा जैसा आप कहें, बस आप एक काम करना, आप जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मैं निकल रहा हूँ आपको पिक करने के लिए, ठीक है? ओके ओके बाय बाय। हो गई शॉपिंग। लो भाई सारी शॉपिंग हो गई, लिस्ट चेक कर ली जाए क्या क्या हो गया। ओके, बेल पत्ते, गेंदे के फूल, दूसरे पूजा के फूल, सब कुछ हो गया। आई विश गौरी खुश हो जाएगी अब। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।
कुंवरी, हम शिव जी को इतनी सारी चीजों से क्यों नहलाते हैं? तुलिका, इन्हें स्नान कराने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। अच्छा, तो मैं भी करा दूं स्नान, अब मेरी भी आत्मा को शुद्धि मिल जाएगी। अरे तुलिका, तुझे क्या जरूरत है, तेरी आत्मा तो पहले से ही पवित्र है। हाँ वो तो मुझे पता है भाभी, लेकिन क्या पता थोड़ा सा कहीं दाग वाग रह गया हो तो मैं भी क्लीन हो जाऊंगी। बहुत भोले, चल तू भी ना हाथ जोड़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुझे पता है तुलिका, शिव जी की आराधना करने से ना मन चाहा वर मिलता है। रियली? तो कहाँ है उनकी आराधना? तुलिका, शिव जी की आराधना का मतलब है ना शिव जी की पूजा करना, 16 सोमवार का ना व्रत रखना। पता है हमने भी ना 16 सोमवार का व्रत रखा था, तभी ना गौरी के भैया से हमारी शादी हुई थी। वाह भाभी, हाउ रोमांटिक। तो मैं भी कल से शुरू कर दूंगी पूजा। लो, हमारे वाले शिव जी भी ना बिल्कुल टाइम पे आ गए। मैं जाके दरवाजा खोलती।